तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति शर्मा और प्रीति शर्मा व्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हाउ टू रिड्यूस ईयर होल साइज। कानों के छेद को आप लोग किस तरीके से घर में ही बंद कर सकते हैं, किस तरीके से सही कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों में मैंने देखा है जो कानों के छेद होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा, कई बार जो हमारे कानों के छेद होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो होल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो इयररिंग्स होते हैं वो बिल्कुल भी उसमें नहीं टिक पाते हैं, हम लोग इयररिंग्स नहीं पहन पाते हैं, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। हमारे जो ईयर होल होता है वो बड़ा होने की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रेडनेस भी हो जाती है, ईचिंग भी होने लग जाती है, और कई बार तो उसमें से ब्लड भी आने लग जाता है। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, ईयर होल को छोटा करने के लिए, आप लोग जो कान का जो ईयर होल है उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आज का वीडियो होने वाला है। तो मेरी इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आप लोगों को पसंद आए, और ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करें। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कान से जुड़ी हुई जो समस्या है, आप लोग कान के जो छेद होते हैं, ईयर होल जो होता है, उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। कान का जो छेद होता है वो कई बार हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जब हम लोग बड़े होते जाते हैं तो जो हमारे इयररिंग्स होते हैं या झुमके टाइप के होते हैं, अगर हम लोग हैवी पहनने लग जाते हैं, हैवी जो इयररिंग्स होते हैं अगर हम लोग ज़्यादा टाइम उसको पहनते हैं, कंटिन्यूसली पहनते रहते हैं और लॉन्ग समय तक पहनते रहते हैं, तो हमारे जो ईयर होल होता है काफ़ी बड़ा होने लग जाता है। और एक टाइम के बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा ईयर होल होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसके पीछे रीज़न होता है कंटिन्यूसली हैवी इयररिंग्स पहनना। कंटिन्यूसली अगर हैवी इयररिंग्स पहनते हैं हम लोग, तो कई बार हमारी जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हैवी इयररिंग्स का लोड नहीं उठा पाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली अगर हम लोग पहनते रहते हैं तो हमारे जो ईयर होल होते हैं वो कई बार उनमें जो छेद होता है वो काफ़ी बड़ा होने लग जाता है, हमारे जो इयररिंग्स होते हैं वो नीचे की तरफ लटकने लग जाते हैं, हमारे कान भी नीचे की तरफ लटकने लग जाते हैं, और हमारी जो स्किन सेंसिटिव होने की वजह से वो जो होल होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है। और कंटिन्यूसली अगर हम लोग इयररिंग्स पहन के रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ईयर होल होता है उसको भी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है सही करने के लिए, उनको सही रखने के लिए, ताकि वो जो ईयर होल होता है ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, उसको सही रखने के लिए अगर आप लोग हैवी इयररिंग्स पहनते हैं तो उन हैवी इयररिंग्स के साथ आपको सपोर्ट भी उनके साथ जरूर लगाना चाहिए। सपोर्ट जैसे कि आपको पता है कि कान के ऊपर एक चेन भी आ जाती है, इयररिंग्स के साथ भी हमें कई बार चेन मिलती है, जो हैवी इयररिंग्स होते हैं उनके साथ हमें कई बार लॉन्ग चेन मिलती है, वो लॉन्ग चेन इसलिए ही मिलती है ताकि जो हैवी इयररिंग्स होते हैं उनका लोड हमारे ईयर होल पे ना पड़े, और हमारे जो ईयर होल हैं वो स्मॉल ही रहे, वो ज़्यादा खींचे ना, हमारी स्किन ज़्यादा खींचे ना, और जो इयररिंग्स हैं उनको भी एक सपोर्ट मिलता है। ईयर होल को सपोर्ट देने के लिए आपको जो इयररिंग्स के साथ चेन मिलती है उसको आप लोग जरूर पहना करें, जिससे कि आपके जो ईयर होल है उस पर बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ेगा, और वो बिल्कुल जो ईयर होल है वो बहुत ज़्यादा उसका जो साइज है वो बड़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल छोटा ही रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दे सकते हैं, अपना जो ईयर होल है उसको छोटा रख सकते हैं, उसको बड़ा होने से बचा सकते हैं। ईयर को छोटा करने के लिए कई लोग तो सर्जरी करवा लेते हैं, जिसकी वजह से जो कान का जो छेद होता है वो छोटा हो जाता है, बट उसके बाद आप लोग जो इयररिंग्स होते हैं उसको नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि आफ्टर सर्जरी जो डॉक्टर होता है वो मना कर देता है कि अब आप लोग इयररिंग्स नहीं पहन सकते हैं। तो इससे अच्छा अपने कानों को सही करने के लिए घर में ही बिना सर्जरी के आप लोग अपने कानों के होल का ध्यान रख सकते हैं, उनको छोटा कर सकते हैं और इयररिंग्स भी पहन सकते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ईयर होल टेप आता है, यहाँ पर स्क्रीन पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ईयर होल टेप आता है जिससे कि जो ईयर होल का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ईयर होल टेप आता है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, सारी साइट्स पर अवेलेबल है, और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो इस टेप की हेल्प से आप लोग जो आपके ईयर होल हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे ईयर होल टाइप के छोटे छोटे टेप्स आती हैं, उन टेप्स को जब आप अपने कानों पर लगाएंगे, जहाँ पर भी आपका ईयर होल बड़ा हो रखा है आपको उसको पीछे की तरफ से लगाना है, कान के बैक साइड की तरफ से आपको पीछे की तरफ से लगाना है उस टेप को। उसमें छोटे छोटे आपको बहुत सारे टेप्स मिल जाएंगी और उनको आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको इयररिंग्स पहनना होगा।
टेप को आप लोग यूज कर सकते हैं, कान के पीछे जहाँ पे भी आपका जो बड़ा ईयर होल हो चुका है उसके पीछे की तरफ से आपको लगाना है। और उसके बाद आप लोग जो इयररिंग्स है उसको ऊपर की साइड से जब आप लोग पहनेंगे तो आप लोग देखेंगे कि उस टेप की हेल्प से आपके कानों को, आपके होल को सपोर्ट भी मिल रहा है और जो इयररिंग्स आपने पहने हैं वो भी बिल्कुल अपनी जगह पर बने रहेंगे, बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं अटकेंगे, नीचे की तरफ नहीं लटकेंगे। जो इयररिंग्स हैं होल बड़ा होने के बावजूद भी, बिकॉज आपने टेप लगाया है, आपने जो ईयर होल का जो टेप होता है उसको अपने कान के पीछे की तरफ से लगाया है, उसके बाद जब आप इयररिंग्स पहनेंगे लॉन्ग इयररिंग्स तो आप लोग देखेंगे कि वो जो इयररिंग्स हैं वो एज इट इज उसी जगह पे बने रहेंगे और बिल्कुल भी नीचे नहीं लटके। आप लोगों को आज का मेरा वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।